बोलेंगे हम लोग आवाज उठाएंगे, आप 12,000 देंगे करके बोले हो और आप डाले नहीं खाते नहीं, कैसे फिर वोट डालेंगे? जरूरत है कि अब सरकार इतनी पैसे ले तो हमें भी तो कुछ देना भाई, बेनिफिट हमको भी तो हो। कि अभी तक मतलब कुछ बता नहीं रहे, बहुत दिन हो गया वो सब फॉर्म भरे, अभी तक कुछ आया ही नहीं है, इसलिए लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। आपको कुछ मालूम ही नहीं है, भर तो दिए हैं लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है। नमस्कार, आपका स्वागत है, मैं मनीष शरण। आज हम बिलासपुर के गोल बाजार पहुँचे हुए है। यहाँ पहुँचने वाली महिलाओं से हम महतारी वंदन योजना के बारे में पूछेंगे, साथ ही ये भी पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो इस योजना के बारे में क्या सोचती हैं और उन्हें सरकार से किस तरह की उम्मीद है। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उनकी उम्मीदें अगर पूरी नहीं होती है तो साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उनका मताधिकार का प्रयोग करने में क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। कैमरा पर्सन के साथ हम चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिरकार कौन महिलाएं क्या सोचती हैं। सबसे रैंडम लोगों से बात करते हैं। बेटा इसमें जरा इधर आप बताओ कि महतारी जो वंदन योजना है उसके लिए फॉर्म भरे कि नहीं भरे? मैं नहीं भरी। नहीं, कोई जानकारी है कहाँ फॉर्म मिलेगा? नहीं जानकारी। कितना पैसा मिलने वाला इस बारे में कोई जानकारी है? नहीं है। आपको कोई जानकारी नहीं? नहीं, नहीं भी तो जानकारी नहीं। तो फिर आपने वोटिंग किसको क्यों कर दी? वो तो पता नहीं लेकिन कर दिए। इस योजना के बारे में जानकारी है, महतारी वंदन योजना जिसमें 12,000 रुपए महिलाओं को देने की बात की? बिल्कुल नहीं। तो आप देखेंगे कितनी अनभिज्ञता है लोगों के अंदर, खासकर महिलाओं के अंदर, कि ज्यादा जानकारी उस बारे में नहीं है। लेकिन कभी कोई नेता वेता आए होंगे तो बताया होगा कुछ इस बारे में? नहीं। हम दुकानदार महिला से पूछते हैं, दीदी ये बताइए कि जो महतारी वंदन योजना है उसमें महिलाओं को 12,000 रुपए देने की बात थी हर महीने, ये तो है मगर क्या बोलते हैं अभी तक कुछ नहीं है, पता है मालूम नहीं है अभी तक। मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता, बोनी आएगा तो जानेंगे। हाँ खाते में बोले आएगा। अगर नहीं मिला फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे अब चुप रहेंगे। अभी लोकसभा चुनाव है तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा उसमें? हाँ पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, असर जरूर पड़ेगा। क्या करेंगे आप? बोलेंगे हम लोग आवाज उठाएंगे, आप 12,000 देंगे करके बोले हो और आप डाले नहीं हो खाते नहीं, कैसे फिर वोट डालेंगे, ये बोलेंगे जरूर। आपको बता दें कि महिलाओं ने इस बार जो है काफी ज्यादा वोट किया है। महिलाओं की संख्या दीदी, महिलाओं की संख्या ज्यादा थी वोटर में इस बार। आपको महतारी नहीं दीदी ये बताइए कि महतारी वंदन योजना के बारे में जानते हैं कि जिसमें 12,000 मिलने वाला है? तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर महिलाएं जो है, दीदी ये बताएं महतारी वंदन योजना के बारे में जानते हैं क्या? कुछ क्या है उसमें? महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। ये आपने फॉर्म भरा है क्या? नहीं अभी तक तो ऐसा लागू नहीं हुआ है तो मैं फॉर्म नहीं भरा मैंने। क्या जानकारी है आपके पास कि कब तक मिलेगा ये? ये फरवरी में स्टार्ट होगा बोला, सुनने में आया था। अच्छा क्या लग रहा है मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, भाजपा की सरकार है तो ऑब्वियसली मिलेगा, वो झूठ नहीं बोलती। भाजपा झूठ नहीं बोलती। बहुत सारी महिलाओं ने पूछा हमने, उन्होंने बताया कि उनको पता नहीं इस बारे में ज्यादा। नहीं तो आएगा ना पेपर में, न्यूज में, टीवी में दिखाया जा रहा है, आएगा नॉलेज में आएगा, थोड़ा तो अपन को भी जागरूक बनना पड़ेगा ना। ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी से जुड़े भी हुई है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आपने फॉर्म भरा नहीं भरा? नहीं अभी चालू ही नहीं हुए ना। कैसा फॉर्म होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? ऑफलाइन होगा, शिविर लगाया जाएगा हर मोहल्ले में। अच्छा। ऐसा मैं श्योर नहीं कह सकती लेकिन ऐसा ही होता है। बहुत सारी महिलाएं हैं, काफी पैसा खर्च हो जाएगा सरकार का। उसमें क्या है, वो दे रही है सरकार, दे रही। कौन सी महिला को नहीं मिलेगा? सभी को मिलेगा। सारी महिलाओं को जी, शादीशुदा गैर शादीशुदा सबको? सबको मिलेगा, बाकी तो मुझे आइडिया नहीं है, बाकी तो सबको मिलेगा। एक बात जो हम पूछना चाहते हैं सिस्टर, ये 12,000 रुपए जो आपको साल का मिलेगा क्यों चाहिए आपको? जरूरत है कि अब सरकार इतनी पैसे ले तो हमें भी तो कुछ देना भाई, बेनिफिट हमको भी तो हो। क्या लग रहा होगा कि नहीं होगा? हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो फिर क्या ही बोल सकते हैं। तो ये तो नहीं हुआ अगर सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, किसानों के धान के साथ तो वैसे सीन बना हुआ है, अब तक पूरी तरीके से धान खरीदी जो हो रही थी वो उस पैसे पे नहीं हो पा रही है, पैसा हो रही है तो पैसे मिल नहीं रहे, महिलाओं के साथ क्या होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप अच्छे से जानकारी लीजिए, किसानों के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, सब अच्छा ही हुआ है, बस अपने को जागरूक होने की जरूरत है, सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, कुछ खुद को ही मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। क्या क्या जानकारी है आपके पास? जानकारी पढ़ाई कर रही है, जॉब कर रही है। क्या जानकारी, कब से मिलेगा पैसा? फरवरी से मिलेगा, देखो अब कब मिलेगा।
तो महिलाओं ने बड़े दिल खोलकर बताया है कि आखिरकार वो मातारी वंदन योजना के बारे में क्या सोचती है। कुछ और महिलाओं से हम बात करना चाहेंगे आगे, कुछ लोगों से मिलते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो महिलाओं को मिलने वाला उनका जायज हक है पार्टी के हिसाब से वो कैसा होगा। दीदी ये बताओ कि मातारी वंदन योजना का फॉर्म भरे हो कि नहीं भरे हो? मैं नहीं भरी हूं। क्या योजना है, कितना पैसा मिलने वाला है? बोले तो थे 1,000। 1,000 रुपए महिला? महिला। तो साल का कितना मिला? 12,000। क्या लग रहा है कब भराएगा फॉर्म? अब उसका तो पता नहीं कब भराएगा। आपको अंदर लग से क्या लगता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे को तो नहीं लग रहा है कि मिलेगा। नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक मतलब कुछ बता नहीं रहा है, बहुत दिन हो गया वो सब फॉर्म भरे, अभी तक कुछ आया ही नहीं है, इसलिए लग रहा है कि नहीं हो पाएगा शायद। तो कौन सा फॉर्म भर दिया आपने? वही जो 1,000 हर महीना देगा मोदी करके जो बोले थे ना। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि अभी कोई फॉर्म हम नहीं भरवा रहे हैं। हम नहीं भरवा रहे हैं चुनाव से पहले। चुनाव से पहले अगर पैसा नहीं मिला महिलाओं को, आप सही बहुत सारी महिलाएं हैं, तो क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ वोट कर दोगे क्या? करेंगे फिर। संकोच से क्यों बोल रहे हैं? है कुछ अच्छा, ऐसा नाराज हो जाएंगे नेता लोग, ऐसा भी लगता नहीं, है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको तो ये छोटी मोटी बातों से कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। देंगे फिर भी, मोदी जी को ही जिताएंगे। मोदी जी को जिताएंगे? हाँ। मोदी मैजिक बरकरार है। हाँ। सीधी सादी महिलाएं हैं, बताती हैं। सिस्टर ये बताइए कि मोदी जी का जो पैसा मिलने वाला था 12,000 रुपए सालाना, 1,000 रुपए हर महिला को महिला मिलेगा, इसका फॉर्म हम भरे, कुछ जानकारी है इस बारे में? फॉर्म भरे हैं लेकिन आया नहीं है अभी। फॉर्म भर दिया आपने? हाँ, अभी आया नहीं है। सरकार बोल रही है कोई फॉर्म हमने भी भरवाया नहीं, कौन सा फॉर्म भर दिया? नहीं नहीं, भरे हैं फॉर्म 1,000। अच्छा। हाँ। कितना पैसा मिलेगा आपको? अभी बोल रहे 1,000 रुपया 1,000 1,200 बोल रहे हैं, अगले महीने से लेके आएगा फरवरी से। हाँ। अगर ये पैसा नहीं मिला महिलाओं को, क्या लग रहा है महिलाएं नाराज हो जाएंगी? अब क्या बता भैया, सब जब एक साथ होगी तभी तो, एक साथ नहीं होगी तो कहाँ से कुछ भी होगा। लेकिन कांग्रेस सरकार तो बोलती है 15,000 देंगे आपको, आप 12,000 में मान गए, तो अब क्या करें भैया, जहाँ सब लोग तहाँ हम लोग। तो कुछ लोगों ने बताया कि जो है इस तरह की स्थिति है कि कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। जी माफ कीजिएगा, मैं समझ रहा हूँ, हम बात कर रहे थे महिलाओं से जुड़ी हुई। ये जो महिलाओं को 12,000 रुपए मिलेगा साल का, इसका फॉर्म वॉर्म भरा है क्या आपने? इनको अभी बैठी हुई है। आप महिलाओं के लिए था ये? नहीं पता। आपको लग रहा मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं लग रहा। क्या लग रहा सर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा महिलाओं? तो मिलेगा, क्योंकि मोदी सरकार है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है। अगर नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ेगा इसका? नहीं दिया तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला है, बाकी मिलेगा तो लोगों को थोड़ी सरकार को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि 12,000 रुपए काफी ज्यादा पैसा होते हैं और लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं अभी थोड़े दिन बाद। हाँ जी, लोकसभा चुनाव वगैरह होने वाले हैं तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। महिलाओं के साथ मौजूद पुरुष भी ये बताते हैं कि फर्क तो पड़ेगा। दीदी ये बताओ कि मातारी वंदन योजना का फॉर्म भरे हो कि नहीं? नहीं भरे? नहीं भरे। क्यों नहीं भरे? तो ज्यादा जो है बातें नहीं करना चाहते लोग, ये भी समझते हैं। कुछ लड़कियां हैं, बहुत यंग लड़की, बताओ ये बताओ मातारी वंदन योजना के बारे में कुछ सुना है क्या? पता नहीं सर, मैं तो नहीं सुनी हूँ ऐसा कुछ भी। ये महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने साल का 12,000 रुपए मिलने वाला था, इसके बारे में जानकारी है? नो नो, मेरे को जानकारी नहीं है। मोदी बोले थे ना देंगे करके। तो आपने फॉर्म हम कुछ भर रहे हैं क्या? हाँ भरे तो थे फॉर्म हम लोग। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये जो पैसा अगर आपको नहीं मिला तो लोकसभा चुनाव में इसका कोई फर्क पड़ेगा, किसी और को वोट तो नहीं कर दोगे? तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं ये बता रहे हैं कि आखिरकार अगर समय पे उनको पैसा नहीं मिला, अनभिज्ञता भी है लोगों को कि वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है कुछ रैंडम। दीदी दीदी वो मोदी की योजना है महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने साल का 12,000 रुपए, आपने फॉर्म हम कुछ भरा है क्या इस बारे में? अभी तक कोई जानकारी है? कुछ भी नहीं, जब वो भरे है लेकिन अभी कुछ पता नहीं चला है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ पता नहीं चला है अभी। क्या लग रहा है कि मिलेगा कि नहीं? अब मिलेगा तब तो पता चलेगा कि मिलेगा, नहीं तो वैसे कैसे बताएंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और नहीं मिला तो क्या करेंगे फिर? अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव है, मोदी के खिलाफ वोट कर देंगे क्या? नहीं नहीं, क्यों करेंगे भाई। लोगों ने बताया कि मोदी मैजिक बरकरार है, मोदी के खिलाफ वोट नहीं करेंगे, पैसा मिले या ना मिले एक अलग मैटर है।
ये कुछ लोग हैं पीछे जो शूटिंग हाउडिंग करते रहते हैं, और भी कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। सिस्टर ये बताओ कि मोदी जी की योजना है महिलाओं को 12,000 रुपए साल का, आपने फॉर्म वॉर्म कुछ भरने का कुछ किया है क्या? फॉर्म तो भरी हूं सर, लेकिन अभी कुछ पता ही नहीं है। क्या लग रहा है कि कब तक फॉर्म भरने का समय आएगा? क्या लग रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पता नहीं, अब वही लोग जाने। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं, अभी लोकसभा चुनाव है तो ऐसा नहीं लग रहा कि मोदी जी के खिलाफ वोट कर देंगे? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। तो सीधी साधी महिलाओं ने ये बंद बना लिया, हालांकि जो वोटिंग बिहेवियर है उनका वो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर उनको वो बातें जो उनसे वादे किए गए हैं नहीं पूरे होते तो नाराजगी तो बट ऑब्वियस बनेगी, जाहिर तौर पर बनेगी। और ये नाराजगी किस तरह से निकालेंगे महिलाएं, और जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बार महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों की तुलना में काफी ज्यादा थी, लिहाजा ये समझा जा सकता है कि महिला वोटर को नाराज करना सरकार के लिए काफी जो है नुकसानदायक हो सकता है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ बिलासपुर।